अल्लाकम डियर स्टूडेंट आज हम यूनिट नंबर फ़ोर का टॉपिक नंबर टू में पढ़ने जा रहे हैं कि हम डेफिनेटली uh, जब बच्चों को एंटरटेन कर रहे होते हैं और छोटे बच्चों को जो तो तीन से आठ साल के बच्चे हमारे पास आते हैं a, हम उनके साथ एज अ टीचर्स को लेबरेट कर रहे होते हैं उन्हें असिस्ट कर रहे होते हैं uh, उनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है जिसके बगैर लर्निंग हो ही नहीं सकती हम एक्चुअली इस लेवल पर जब बच्चे इतने छोटे होते हैं हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि पेरेंट्स उन्हें घर में कैसे गाइड करेंगे हमारे पास तो वो चार घंटे हैं पेरेंट्स के पास तो वो चार घंटे से ज़्यादा हैं और डेफिनेटली पेरेंट्स ऑलरेडी उनकी एक कोई फाउंडेशन अगर बना लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है ये बच्चों की स्कूल में लर्निंग को बहुत सपोर्ट करता है पेरेंट्स को सपोर्ट करना पेरेंट्स को इनक्रेज करना पेरेंट्स के साथ पार्टनरशिप करना पेरेंट टीचर मीटिंग में उनको बताना कि वो अपने बच्चों को घर में कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और यही टेक्निक जिसे हम रीड अलाउड कह रहे हैं कैसे बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं कहानियों को उनको पढ़ के सुना सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं आ, ये बताना उन्हें बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक्टिविटीज़ जो आप स्कूल में कर रहे हैं सिर्फ चार घंटों के अंदर जहाँ अपने बहुत से प्ले स्टेशन में बच्चों के साथ काम करना है एक्टिविटीज़ करना है पेरेंट्स एक एक्सटेंडेड रीडिंग टाइम निकाल सकते हैं वीकेंड के ऊपर रात को सोते हुए या जो भी एक अच्छी एनर्जी का टाइम होगा बच्चों के लिए जिसमें वो बच्चों के साथ कहानियाँ उनको पढ़ के सुना सकते हैं इंजॉय कर सकते हैं खेल सकते हैं इंगेज कर सकते हैं हंस सकते हैं और दे एक्चुअली मैनेज अ बेटर टाइम विद दैम इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने क्या आती है स्कूल और टीचर दोनों को पेरेंट्स को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है उसकी वजह यह है कि आपकी तो ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आप ये सीखें कि बच्चों के लिए आपने कैसे किताबों की सिलेक्शन करनी है क्या लिटरेचर के यौनरस मौजूद हैं आप पर पेरेंट्स को हो सकता है इतना एक्सटेंसिव कोर्स अवेलेबल ना हो या उन्होंने ये कोर्स ऐसे ना किए हों और उनके पास इतना प्रोफेशनल नॉलेज ना हो स्किल्स और गाइडेंस ना हो जो आपको है तो स्कूल का फ़र्ज है टीचर का फ़र्ज़ है कि वो पेरेंट्स को पेरेंट टीचर मीटिंग में सपोर्ट करें आ उनके लिए ट्रेनिंग को अरेंज करें उनसे डिस्कशन करें और उन्हें हेल्प आउट करें पहला इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों के पास घरों में किताबों का मौजूद होना ज़रूरी है पेरेंट्स कहाँ से किताबें लेके आए स्कूल उन्हें कैसे मदद कर सकता है डेफ़िनेटली स्कूल में आप बच्चों को किताबें दे सकते हैं लाइब्रेरी से लेके दे सकते हैं आपके जो लाइब्रेरी का सेक्शन है क्लासरूम में आप बच्चों को किताबें रेंट कर सकते हैं बच्चे किताबें लेकर घर जा सकते हैं आप पेरेंट्स जब उनको लेने आते हैं आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये किताब वीकेंड पे बच्चे के साथ पढ़ें और मंडे को इसको वापस भेज दें इस तरीके से वो जो आपकी सेलेक्टेड और प्रिंसपल के बेस के ऊपर एक अच्छी किताबें मौजूद हैं जो बच्चों की उम्र के मुताबिक हैं डिफरेंट यौनराज्स हैं वो बच्चों के घरों में पहुँच जाएंगी और पेरेंट्स उन्हें खुद भी बढ़ के इंजॉय करेंगे और बच्चों को भी सिखा सकते हैं बुक फेयर्स इस्कूल में हो सकते हैं गिव अवे एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसमें हम किताबें गिफ्ट के तौर पर देते हैं बच्चों की अचीवमेंट होती है या उनकी पोजीशन आती है या वो बेहतरीन परफॉर्म करते हैं दैट इज़ गुड टू गिव बुक्स टू दैम उसके अलावा जो आपकी पब्लिक लाइब्रेरीज़ हैं उसके साथ आपकी कोई ना कोई एग्रीमेंट हो सकती है कि जो आपके पास बच्चे आते हैं लाइब्रेरीज़ उनको कैसे फैसिलिटेट कर सकती हैं किस तरीके से बता सकती हैं कि कौन सी किताबें बच्चों को दी जा सकें और हमारे पास भी बुक मोबाइल सर्विसेज अवेलेबल हैं जिसके अंदर हमारे पास ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो आपके घरों तक आ सकती हैं आपको लाइब्रेरी तक जाने की ज़रूरत नहीं इसको भी हम आगे पढ़ेंगे स्कूल आ, ये जिम्मेदारी खुद लेके इन तमाम रिसोर्सिस को पेरेंट्स तक पहुंचा सकता है अवेयरनेस दे सकता है और उन्हें कनेक्ट कर सकता है आप पेरेंट्स को पहली चीज़ क्या सिखाई जा सकती है पेरेंट टीचर मीटिंग में बताया कैसे जा सकता है कि आप क्या कर सकते हैं जब आप एक किताब पढ़ते हैं आप बच्चे के साथ उस से बुलंद तो उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसे हम कहते हैं कॉमेंट एंड वेट पेरेंट्स किसी भी सीन के ऊपर कोई कॉमेंट कर सकते हैं और बच्चे के रिस्पॉन्स के लिए ज़रा वेट करते हैं कि बच्चा इसका क्या जवाब देता है या उसका क्या रिएक्शन होता है और क्या वो आ, उसके बाद किस किस्म से उसके सवाल जो आपने उनसे सवाल किया उसका वो जवाब कैसे देता है आ, इसका सेकंड स्टेप है आस्क क्वेश्चन एंड वेट जब आपने कमेंट कर दिया किसी भी सीन के ऊपर किसी भी कैरेक्टर के ऊपर और बच्चे की अटेंशन वहाँ चलेगी और वो वहाँ पे फोकस कर रहा है और वो देख रहा है कि आपने क्या कमेंट किया उसके बाद जब आप उससे सवाल करेंगे वो सवाल मुख्तलिफ नौीय के हो सकते हैं मिसाल के तौर पर क्या आप मेरे कॉमेंट से एग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं या कुछ इस किस्म का भी सवाल हो सकता है आपके अपने ही कॉमेंट के ऊपर जिसमें बच्चे को एक कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स जवाब देना पड़े जिसमें उसको एक जुमला बनाना पड़े और अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने पड़े ओपन एंडेड क्वेश्चन हम पेरेंट्स को किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं वर्कशॉप में मीटिंग्स में सेमिनार में सिखा सकते हैं कि वो सवाल करें बच्चों से कहानियाँ पढ़ते हुए जब भी हम कोई कहानी बच्चों के सामने पढ़ रहे होते हैं हमें एक चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि हमारा जो बुनियादी मकसद है वो ये है आ, कि बच्चों को जो आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं बच्चों को टाइम चाहिए उस इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करने के लिए उसे प्रोसेस करने के लिए तो आप आहिसे आहिसे पढ़ें वेट करें आप उससे सवाल करें सवाल करने के बाद जब बच्चे उसका जवाब देते हैं तो इट इज़ गुड कि आप उनके जवाब को दोबारा रिपीट करें उसमें दो एक वर्ड्स और एड ऑन कर दें और बच्चे से पूछें कि आ, क्या जो मैंने आपका जवाब आपको दोबारा सुनाया क्या आप यही कहना चाहते थे इस तरीके से ना सिर्फ बच्चों को सपोर्ट मिलती है वो इनक्रेज होते हैं उनको आ, जो है कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है अपनी कन्वर्सेशन करने के लिए बेहतर जुमले बेहतर विकैबरी लर्न करना वो शुरू कर देते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती है कि बच्चे डेफ़िनेटली टाइम लेते हैं जब आप उनसे सवाल करते हैं तो वो हैरानी से आपको देखते हैं और फिर वो आपके सवाल को समझने की कोशिश करते हैं फिर वो देखते हैं कि आपने टेक्स में उन्हें क्या बताया था वो ये सब चीज़ें सोच रहे हैं रिकॉल कर रहे हैं अब वेट करें आ, इतना वेट करें कि वो आपको उसका जवाब दें जब बच्चों को लगता है कि आप अटेंटिवली वेट कर रहे हैं और आप उन्हें क्योसिटी के साथ और अच्छी स्माइल के साथ देख रहे हैं तो उनको लगता है कि अब हमें जवाब देना चाहिए हमें सोचना चाहिए ना कि आप उनसे मजाक नहीं करें दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड मी फिज़िकल इंगेजमेंट किताबों के साथ ज़रूरी है हमारे सामने कुछ सजेशनस हैं हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे कि पेरेंट्स को भी हम ये सजेशन जो हैं uh, दे सकते हैं रिटर्न फॉर्म में वर्कशॉप में सेमिनार में पेरेंट टीचर मीटिंग में सिखा सकते हैं घर में नोट्स लिख के भेज सकते हैं कि आपको ये बुक दी गई है आप उसे कैसे पढ़ेंगे फिजिकल इंगेजमेंट क्या है किताब के साथ क्या आप बाजुल बच्चों को पढ़ के सुनाएं और जो आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आप अपनी उंगली फेंकते जाएँ या आप उसके ऊपर पेन uh, pen या पेंसिल की बैक साइड से एक एक वर्ड को बाज़े जब बुलंद पढ़ रहे हो तो उसको पिन पॉइंट करते जाएं इस तरीके से बच्चों को पता चलेगा ये क्या वर्ड है अलेबोरेट करें अलेबोरेट करने का तरीके पेरेंट्स को क्या बताना है हमें जो टर्म आ, या जो वर्ड उनके सामने आता है या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो उनके सामने आता है पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को बताएं कि हमारी ज़िंदगी से भी ये चीज़ें रिलेट होती हैं ये जो करेक्टर इस कहानी में आ, इस फिनमिना को फेस कर रहा है ये मैं और आप भी कहानी में आ, से बाहर निकल के रियल ज़िंदगी में इसको फेस कर सकते हैं इस तरीके से आ, बच्चे जो हैं वो आपके साथ कन्वर्सेशन में डेफ़िनेटली एक्टिव हो जाते हैं बच्चों से सवाल किए जा सकते हैं आ, सवालात जो हैं आप कहानी पढ़ने के दौरान भी कर सकते हैं और कहानी पढ़ने के बाद भी कर सकते हैं सवाल ऐसे होने चाहिए जो बच्चों से रिलेटेड हों और कहानी से रिलेटेड हों वेट टाइम आपने सवाल किए हैं आप इंतज़ार करें डेफिनेटली बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं आ, वो आपको जवाब देते हैं अगर आपको लगता है उनका जवाब फोकस नहीं है तो आप सवाल रिपीट कर सकते हैं उनका जवाब फ्रेंडली और अप्रिशिएटिव तरीके से रिपीट करके उन्हें सुना सकते हैं उसमें दो एक्यूज ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि बच्चे बेहतर जवाब तक पहुँच जाएँ आप बच्चे को जब लगता है कि आप उनके जवाब का वेट कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें अटेंटिवली सुनने के लिए तैयार हैं उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं मुश्किल अल्फाज आएंगे उसके मायने कहाँ से ढूंढें वो चाइल्ड फ्रेंडली मायने होने चाहिए बिल्कुल आप उनके मायने वैसे ही ढूँढें जैसे टीचर्स ढूंढेंगे कि उनको आसान तरीके से फेमिलियर वर्ड्स में ईजी वर्ड्स में बच्चों को बताएँ कि इन मुश्किल टर्मिनोलॉजीज के ये मायने हैं और प्रिंट रेफरेंसिंग के लिए जब आप किताब पढ़ रहे हो तो आप एलस्ट्रेशन के ऊपर प्रिंट पॉइंट करें आ, उनको वहाँ से क्यूज दें बताएं कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ये मायने हैं और प्रिंट में एलस्ट्रेशन के अंदर भी इनकी ये टर्म्स मौजूद हैं जिसे वो देख सकते हैं और समझ सकते हैं जब पेरेंट्स और टीचर पार्टनर होंगे तो रीडिंग अलाउड बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा उनकी इमरजेंट लिटरेसी स्किल्स को डिवेलप करने में